हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कैथल के बालू गांव के एक शराब ठेके में आग लगने से शराब व्यापारी और एक कर्मचारी की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान संदीप और गुरमीत के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपियों ने बताया है कि शराब पीने के बाद हुए झगड़े में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि 20 और 21 मई की रात को बालू गांव में शराब के ठेके में आगजनी से शराब व्यापारी और कुक की मौत हो गई थी। वहाँ पे जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें ना ही कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था, तो ये बिल्कुल हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर केस था। मौका को देख के मर्डर की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता था और पोस्टमार्टम में भी यही आया। और हमने 4-5 टीम लगा रखी थी मुलजिम को ढूंढने के लिए। तो कल हमने 2 हफ्ते के प्रयास के बाद कल हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो मौका वारदात में शामिल थे। उन्होंने गुनाहों को कबूल भी किया है और कुछ एविडेंसेस भी हमारे पास आ गए हैं, टेक्निकल एविडेंसेस भी आ गए हैं जिससे साबित करता है कि इन दोनों ने मिलकर मर्डर किया है। कुछ और लोग भी शामिल हैं तो उसकी इनसे पता चला कि और कौन कौन शामिल है, वो हमारे रडार पे हैं तो उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे।